नाज़िम कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। नाज़िम, मैं इस वक्त जापान में बैठा हुआ हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जापान में ऐसा व्यू पीछे से नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, ये देखिए, इनका नाम अहमद हुसैन साहब है। और देखें आप इनकी, अल्लाह ताला की शान देखें, ये ऐसे लग रहा है कि मैं ये जैपनीज़ पर्सन के साथ बैठा हूँ। और ये लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। खरमंग डिस्ट्रिक्ट, खरमंग का एरिया है जो कि कारगिल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। गांव का नाम है बिलारगो, ठीक है। और ये कौम इनकी क्या है जी? ये पुर्की कौम है। और पुर्की कौम ये कहते हैं हमारा जो ना रहन सहन और सारा जो ना वो जो सोच है हमारी, वो जापानीज़ की तरह है। तो आइए इनसे पूछ देंगे किस तरह इनकी सोच जो जापानीज़ की तरह। जी तो बात ये है जी, चूहा जो डंपिंग करते हैं, चूहा वो सबसे ऊपर खर्चों में डंपिंग करते हैं, इसी तरह हमारे लोग भी स्टोरेज करता है अपने राशन का, अपने ये भी वो कह रहे हैं, गाज बोसा कफन शफन ये मतलब हर चीज़ खाने पीने का लकड़ी हम इस तरह की 100 साल ज़्यादा एहतियात कर रखते हैं। कोई भी चीज़ हो एहतियात हम लोग पहले करते हैं, हम लोग कनात ज़्यादा करते हैं, मतलब कनात करते हैं, मेहनती लोग भी है जी, हम लोग कनात भी हमारे लिए है। और हमारे लोगों में ये चीज़ भी है कि ये जो हलाल और हराम का, ये चीज़ हलाल है ये चीज़ हराम है, हम इसके खैर बोल सकते हैं, जायज़ नाजायज़ का, जायज़ नाजायज़ अल्लाह ताला का हुक्म है, इंसान हर इंसान को जायज़ नाजायज़ का। नहीं तो आप थोड़ा सा आगे इन की तरह फोकस करें, आप उधर फैमिली की तरह देखिए, आप किस तरह कह रहे हैं आप जापान की तरह, आपका भी उनकी नस्ल सही है क्या? जी हमारा कौम एक ही, जापानी कोरिया ये इंडिया तिब्बत एरिया सारा हमारा एक ही कौम है, तिब्बती, हम लोग कहते हैं तिब्बती कहते हैं, तिब्बती कौम, तिब्बती, अच्छा हमें तिब्बती कौम कहते हैं। तो हमारा रहन सहन उड़ना बैठना अजीब सा है, हमारा एहतियात बहुत ज़्यादा है, कना ज़्यादा है, हमारे लोग मेहनती है, सही तो ज़्यादा फैशन हो रहा है। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप फील करते हैं कि यार मैं पाकिस्तान में क्यों, मुझे जापान में जाना चाहिए था, मैं वहाँ खुश रह सकता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ खुश हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के माहौल से, आप खुश हैं कि नहीं? सन 1948 में 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुई है जी, 48 में हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को पसंद किया कि क्योंकि ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, हमारे यहाँ अक्सरियत मुसलमान है, हम मुसलमानों को साथ ही रहना चाहते हैं, हम इनके साथ मोहब्बत और प्यार से रहना है, चाहे कम भी खाए गम दुख सुख हम बर्दाश्त करें। कभी होता है ना कि जिस तरह आपके जो बरादरी के हैं या आपकी जो नस्ल है वो जापान में है ना, जापान ये तो दुनिया में हर कोने में होते हैं, इंडिया में भी हमारे नस्ल कौम है, जापान है, तिब्बत है, चीन है, वो तो है ही हर जगह में, लेकिन ये कलिमा ला इलाहा पढ़ने वाला कौम है, यहाँ पर खुश। ठीक है, अच्छा हमें ये थोड़ा ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये नाज़रीन, सस्पेंशन ब्रिज है ये जो बिलारगो गाँव है, ये द्रैसिल क्रॉस करके जो अपनी तरफ जाते हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज के थ्रू जाते हैं। तो ये सस्पेंशन ब्रिज की, लकड़ी के ब्रिज की हिस्ट्री क्या है, ये भी हम हुसैन भाई से पूछते हैं। जी हुसैन भाई, ये कब, ये सबसे पहले ये कब बना और किसने बनाया? ये सन 1947 में, 71 में, 71 में बनाई इनका लकड़ी सारा। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ये जो लकड़ी है जो ये सारा चीड़ का लकड़ी बना है, चीड़ का, चीड़ के लिए, ये चीड़ का लकड़ी में खूबी ये होती है कि इसके अंदर तेल होते चीड़ की लकड़ी सारी, ये सारा इनके अंदर तेल होते हैं, तो ये जितने भी बर्फ लग जाए, बारिश लग जाए, धूप लग जाए, इसको असर नहीं होता। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर तेल होता है। तो ये कब बना था? ये सन 1971 में, 1971 से पहले आप दरिया कैसे क्रॉस करते हैं? अच्छा, वो जो लिफ्ट कहते हैं जी। ये नाज़रीन ये बता रहे हैं कि जी 1971 में ये ब्रिज बना है, और ब्रिज जब नहीं था तो तब ये एक लिफ्ट थी, जो गाड़ी अब लिफ्ट आवाम को नहीं पता गराड़ी कैसे, मैं लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए चेयर लिफ्ट कह लेंगे, चेयर लिफ्ट की तरह एक ही होती थी जो दरिया से उस तरफ इस तरफ आवाम को लेके जाते थे। ये उससे पहले हमारे यहाँ ज़्यादा होता थी किश्ती, अच्छा कश्ती, ज़मीनी किश्ती यहाँ लगा जाता कश्ती के जरिए। अच्छा, ये सस्पेंशन ब्रिज है जो, ये कितना टाइम लगा था बनते हुए? ये तकरीबन साल लगे, एक साल। इसकी लंबाई कितनी है जी? लंबाई कम से कम 50 फुट से ज़्यादा होगी, तकरीबन 60 फीट, 60 नहीं ये 150 फीट से ऊपर है, 100+ नाज़रीन इसकी जो लंबाई है ब्रिज की, और ये बता रहे हैं एक साल से ज़्यादा, एक साल लग गया था इस ब्रिज को बनाते हुए। और ब्रिज बनाने वाला जो कारपेंटर था वो हंजा का था, यानी हंजा का था जो स्पेशल यहाँ आके उसने ये ब्रिज बनाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।